नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। इस समय देश में केरला स्टोरी की खूब चर्चा हो रही है। केरला स्टोरी की कहानी को ताज नगरी में भी दोहराया गया है। एक युवती ने दूसरे धर्म के युवक पर जबरन धर्मांतरण कर शादी रचाने का आरोप लगाया। युवती का आरोप है कि युवक उसके अश्लील वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देता था। पूरा मामला थाना रकाबगंज क्षेत्र का है। एक पत्नी के अपने ही पति पर धर्म परिवर्तन कराकर शादी करने का गंभीर आरोप लगा है। युवती का आरोप है कि उसके पास एक रॉन्ग नंबर से राजा नाम के युवक का फोन आया था। दोनों के बीच दोस्ती हुई, उसके बाद दोनों रिलेशनशिप में आए। जब युवती ने राजा से शादी की बात कही तो उसको अपने घर ले गया और वहां पर बताया कि वो मुस्लिम है। युवती ने शादी की मना कर दी तो राजा के परिवार वालों ने अश्लील वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी। जबरन युवती का धर्म परिवर्तन कराया और मुस्लिम रीति रिवाज से निकाह हुआ। इतना ही नहीं, निकाह में युवती का नाम मुस्लिम तरीके से रखा गया है। युवती ने आरोप लगाया कि राजा और उसके परिवारजन मायके पक्ष से बातचीत और आने जाने की मना करते हैं। इस पूरे मामले को लेकर अब पीड़िता जो है वो पहुंची है पुलिस के पास और पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले में छानबीन की जा रही है। सर, मैं आपको बताती हूँ, कुछ सालों पहले मेरे पास एक रॉन्ग नंबर आया था जो राजा का था। राजा ने मुझे कहा, दोस्ती के लिए मेरे पास प्रस्ताव रखा, मैंने उनसे मना कर दिया। रॉन्ग नंबर कह के उनका फोन मैंने कट कर दिया। 3-4 दिन तक अलग अलग नंबरों से उनके लगातार मेरे पास कॉल आते रहे। एक दिन उन्होंने मुझसे दोस्ती की बोला तो मैंने उनकी दोस्ती एक्सेप्ट कर ली। ऐसे ऐसे हम दोनों के रिलेशन में बढ़े, हम दोनों के रिलेशन काफी हद तक आगे चले गए। मैंने उनसे बोला अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। उन्होंने बोला ठीक है, हम शादी कर लेते हैं। मैंने बोला शादी से पहले मैं एक बार आपका घर देखना चाहती हूँ। मैं उनके घर पर गई, मैंने वहाँ देखा, टोटली मॉडर्न तरीके से रहन सहन था वहाँ पर। जी, ऐसा एक मुकदमा न्यायालय के आदेश से थाना रकाबगंज पे पंजीकृत हुआ है। पुलिस इसमें गहनता से जांच कर रही है। वही श्रावस्ती में किसान बाबा टिकैत की पुण्यतिथि मनाने के लिए हर साल की तरह इस साल भी किसान भारतीय किसान यूनियन संगठन के नेता और कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट परिसर में जा रहे थे, जहां पर वो रक्तदान शिविर का आयोजन करने वाले थे, लेकिन उन्हें कलेक्ट्रेट के मेन गेट पर ही रोक दिया गया और कलेक्ट्रेट से बाहर निकालकर मेन गेट पर ताला लगा दिया गया, जिससे किसान आक्रोशित हो गए और कलेक्ट्रेट के गेट पर सामने ही धरने पर बैठ गए। समस्या इस बात की है कि पिछले कुछ दिनों से जिलाधिकारी महोदया को किसानों से बड़ी पीड़ा सी हो रही है। अब यह नहीं पता चल रहा है कि उनको किस बात की पीड़ा है। इस कलेक्ट्रेट के अंदर अपनी बात नहीं सुना सकता है। कलेक्ट्रेट साहिबा हमारी बात न सुने, हम अपनी आवाज बताने को क्यों जाएंगे? क्या कुछ ज्ञापन में क्या था? ये बड़ी समस्या है। जब से महोदय आई है, कलेक्ट्रेट साहिबा आई है, जब से ये बहुत तानाशाही की रवैया अपनाया है। ये किसी जन को जाने से, किसानों को जाने से मना किया जाता है। क्या कुछ मांगे और थी प्रमुख मांगे? बहुत सारी मांगे थी, जैसे कि गौवंश रोडों पे घूमते हैं, उनके एक्सीडेंट होते हैं, जख्मी गौवंश मारे मारे फिरते हैं, मर जाते हैं आवारा, उनको अपने गौ स्थल पे इकट्ठा करके अपना उनका सुरक्षा करें। वहीं बिजनौर में बड़ा हादसा हुआ है, जहां कार और बाइक की जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में बाइक सवार व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। राहगीरों ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। कार चालक टक्कर मारकर मौके से फरार हो गया। पुलिस अज्ञात कार चालक की तलाश में जुटी है। वहीं देखा जाए तो बिजनौर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। तेज रफ्तार बाइक सवार ने ट्रैफिक पुलिस को टक्कर मार दी। गंभीर रूप से जख्मी पुलिस कर्मी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। फरार बाइक सवार की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। थाना नगीना के मुख्य चौराहे का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बिजनौर का एक पूरा मामला है, जहां पर एक तेज रफ्तार बाइक सवार ने ट्रैफिक पुलिस को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें जो ट्रैफिक पुलिस कर्मी है वो बुरी तरह से जख्मी हो गया है। आनंद फानंद में जिला अस्पताल में उसे भर्ती कराया। फरार बाइक सवार की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। थाना नगीना के मुख्य चौराहे का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बिजनौर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर तेज रफ्तार बाइक ने ट्रैफिक पुलिसकर्मी को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें ट्रैफिक पुलिसकर्मी जो है वो गंभीर रूप से घायल हो गया है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है और घायल पुलिसकर्मी को वही अमेठी में आग लगने की घटना सामने आई है, जहां पर बाइक जो है वो आग का गोला बन गई। धो धो कर बाइक जलती हुई नजर आई।
बाइक में चिंगारी देख बीच सड़क पर ही बाइक छोड़कर बाइक सवार युवक भाग निकला। कमरौली थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे गड़ा मोड़ का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। अमेठी की तस्वीरें आपको बता दें कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है वैसे वैसे आग लगने की घटनाएं जो हैं वो भी तेजी के साथ बढ़ती हुई नजर आ रही है। बता दें कि हल्की सी चिंगारी हुई, इसके बाद देखते ही देखते बाइक आग का गोला बन गई। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं धू धू कर जलती हुई बाइक नजर आ रही है, जिसके बाद बाइक सवार जो है वो बाइक को छोड़कर मौके से भाग खड़ा हुआ। कमरौली थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे गढ़ा मोड़ पर यह हादसा हुआ है। अमेठी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर एक बाइक जो है वो धू धू कर जलती हुई नजर आ रही है। आपको बताते कि देखते ही देखते बाइक आग का गोला बन गई। हालांकि जानकारी मिली है कि बाइक सवार जो युवक था उसने तुरंत कूद कर अपनी जान बचा ली है, लेकिन बड़ा हादसा यहां होने से चल गया है। कमरौली थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे गड़ा मोड़ पर यह पूरा मामला नजर आया है। किसने वीडियो बना लिया, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। तो अमेठी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर चलती बाइक अचानक आग का गोला बन गई। देखते ही देखते बाइक जो है पूरी तरह से जलकर राख हो गई। बाइक में चिंगारी देख बीच सड़क पर बाइक छोड़ बाइक सवार खड़ा हो गया। कमरौली थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे गढ़ा मोड़ की ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। वहीं औरैया की तहसील अजीतमल क्षेत्र के नगर बाबरपुर अजीतमल के पथ संचलन का कार्यक्रम सफल आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम अभिनंदन गेस्ट हाउस से जनता महाविद्यालय अजीतमल परिसर तक किया गया। इस कार्यक्रम के ध्वजवाहक उज्जवल पांडे ने ध्वज लेकर नगर में स्वसेवकों के साथ पथ संचलन का दायित्व निभाया। ये कार्यक्रम विगत वर्षों की भांति साल भी वर्ष प्रतिपदा उत्सव भारतीय नववर्ष के उपलक्ष्य में चैत्र शुक्ल पक्ष एकादशी 15 मई 2023 दिन सोमवार को अपने नगर में रहत पथ संचालन का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें नगर के स्वयंसेवक और विचार परिवार के कार्यकर्ता बंधुओं ने कार्यक्रम को सफल बनाया। सर्वप्रथम फूल वर्षा शुक्ला फर्नीचर बाबरपुर के यहाँ की गई। इसके बाद नगर में जगह जगह फूल वर्षा कर स्वयंसेवकों का सम्मान किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला संघ चालक रणवीर सिंह और विभाग सह कार्यवाहक रविशंकर मौजूद नजर आए। वह बिजनौर के चांदपुर तहसील परिसर में स्टैंप विक्रेताओं का नोटों से भरा बैग और स्टैंप लेकर अज्ञात चोर फरार हो गए। दिनदहाड़े स्टैंप और नोटों से भरा बैग चोरी होने से तहसील परिसर में हड़कंप मच गया। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। स्टैंप पेपर भी थे, रुपए थे। कितने स्टैंप पेपर थे, कितने रुपए थे आपके? भैया तो मेरे को देखना पड़ेगा, वैसे तो कम से कम 5-6 हज़ार रुपये के स्टाम के पड़ चुके। अच्छा, नगद कितने थे? नगद थे कम से कम 1.5-2 लाख रुपये। वहीं बिजनौर के चांदपुर में अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार 3 युवकों की मौत हो गई है। देर रात शादी समारोह से बाइक सवार लौट रहे थे अपने गांव। अज्ञात वाहन की टक्कर से 3 युवकों की मौत हो गई है। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। घटना से मृतकों के परिवार में कोहराम मचा हुआ है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनवर अहमद है, उमरी की रहने वाला हूँ। ये जो जो पोते थे ये बारात में गए थे गाँव। क्या क्या नाम है जी इनके, बतोगे आपके? जी बाबू जी, एक का नाम फरदीन है, अजमेर, और एक का नाम सलमान। ये लड़के वाइफ पे थे। ये पजेनी से आगे चल के चौराहे पे एक अस्पताल है, उसकी बराबर में जाके वाहन ये जा रहे थे, अपनी साइड से एक वाहन आई उनको गिरा दी। औरैया के अजीतमल कोतवाली क्षेत्र के गांव निवासी नाबालिग दलित किशोरी के साथ पास के एक गांव निवासी व्यक्ति ने शौच करने गई किशोरी के साथ दुष्कर्म किया। लड़की के पिता द्वारा तहरीर दे दी गई, मुकदमा पंजीकृत कर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। लड़की को डॉक्टरी के लिए भी भेजा गया है। फिलहाल आरोपी की तलाश भी की जा रही है। सर, अजीतमल कोतवाली के एक गांव निवासी महिला के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आ रहा है, क्या है मामला? हाँ, एक सूचना मिली थी अजीतमल कोतवाली क्षेत्र में कि एक 16-17 साल के लड़के के साथ बुरा काम हुआ है, और उसको पहले उठा करके ले जा खेत में बुरा काम किया गया। इस सूचना पे हम लोग पहले घटनास्थल का निरीक्षण किए, सीओ साहब, मैं, इंस्पेक्टर साहब, सब लोग निरीक्षण किए।
वहीं झांसी में भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष मौनी शाके आजाद के समर्थन में सैकड़ों महिलाओं ने इलाइट चौराहे पर रोड जाम करते हुए जमकर नारेबाजी की। महिलाओं का कहना है कि भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष मौनी शाके महिलाओं के मान सम्मान के लिए लड़ते हैं और शोषित वंचित पीड़ित गरीबों के लिए भी लड़ते हैं, उनकी सहायता करते हैं। वो जिन चार महिलाओं द्वारा उनके ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं वो पूरी तरह से निराधार हैं, झूठे हैं और प्रशासन ने उनके ऊपर जो मुकदमा लिखा है उसकी जाँच होनी चाहिए जिससे जिलाध्यक्ष को इंसाफ मिल सके। जिसको लेकर सैकड़ों महिलाओं ने इलाइट चौराहे को जाम कर दिया, भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष के समर्थन में जमकर नारेबाजी की और जो मुकदमे दर्ज हैं उसकी जांच कराकर मुकदमा वापस लिए जाने की मांग भी की है। आरोही क्या है मामला? मामला यह है कि हमारे जिलाध्यक्ष जो है उन पर चार महिलाओं ने झूठा केस लगाया है, झूठा मुकदमा लिखवाया है, उसके संबंध में हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। कौन है जिलाध्यक्ष? मौनू साख्या। वहीं हरदोई जिले में बंदरों की धमा चौकड़ी से एक टीन शेड दीवार सहित गिर गया, जिसके नीचे दबकर एक अधेड़ और एक छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें एक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया, दूसरे ने इलाज के लिए जाते वक्त दम तोड़ दिया। घटना की जानकारी पाकर पुलिस ने दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। यह प्रकरण थाना माधवगंज के चौकी कुरसट का है, जिसमें टीन शेड के नीचे दो लोग बैठे हुए थे। उपरोक्त में बंदर के कूदने से वो गिर गया, उसमें दो लोगों की मृत्यु हो गई थी, उस पर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान सामने आया है। इस दुख की घड़ी में हम परिवार के साथ हैं, जो भी हो सकेगा मदद करेंगे कहते हुए नजर आए। जबरन अधिकारियों ने हमें हरवाया है, जिले के प्रशासनिक अधिकारी सीडीओ ने मतगणना का परिणाम बदला है। लोकतंत्र में इन अधिकारियों की अहम भूमिका होती है। लोकसभा चुनाव से लेकर सीडीओ ने ग्राम प्रधान सबको परेशान कर रखा है। मैनपुरी और बेवर के परिणाम सपा के पक्ष में थे, अधिकारियों ने बेईमानी करके सपा को हरवाया। प्रदेश में चुनाव कोई भी हो, बीजेपी बेईमानी करती है और आप बेईमानी का विरोध करते हो तो पुलिस आपको आगे कर देती है। दुखद घटना हुई है और दोनों ने परिवारों ने कुछ न कुछ अपने बेटा बेटी के लिए सपने देखे थे और कई बार बहुत सी चीज़ें हम लोगों के हाथ में नहीं होती हैं। ये अचानक अकस्मात ये घटना घटी है, बिजली के कारण उसकी मृत्यु हो गई। मैं परिवार से मिला हूँ, दोनों बेटी के पिता से, बेटे के पिता से, माँ से, बेटी से और उनके परिवार के सहयोगी साथियों से, परिवार के और सदस्यों से। ये समय सूझबूझ से और समझदारी से रह कर के, धैर्य रख कर के अपने दुख को सहना है। गुजरात गिर सोमनाथ में आजकल खेतों में आम कटाई का सीजन चल रहा है, लेकिन गिर सोमनाथ के अगल बगल में काफी सारे भयानक जंगल हैं, इसलिए यहां के नजदीक खेतों में किसानों को काफी डर सता रहता है। सभी जंगली प्राणियों का ऐसी घटनाएं हुई हैं और एक किसान के आम के खेत में किसान का पूरा परिवार आम इकट्ठा कर रहा था कि तभी वहां पर शेरनी आकर आम की पेटी के सामने बैठ गई, तो किसान ने पूरी घटना का वीडियो बनाया है। और किसान ने बताया कि जैसे ही खेत में केसराम की रखवाली करने गए, वैसे ही आम की कटाई के दौरान किसान की तरफ वो भागती हुई नजर आई। किसान ने किसी तरह से वहां से भागकर अपनी जान बचाई है, लेकिन शेरनी वीडियो में जरूर कैद हो गई है। गुजरात के मेघराज तालुका में शादी की बारात में डीजे लगाया गया था, डीजे सिस्टम में भीषण आग लग गई और आग लगने से डर का माहौल पैदा हो गया। स्थानीय लोगों की मेहनत से आग पर काबू पाया गया, जिस तरह से लोगों ने राहत की सांस ली। बस्ती के नगर पंचायत नगर के निकाय चुनाव में मतपत्रों की चोरी के मामले में अब जांच के बाद दोषियों के खिलाफ जिला प्रशासन ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है। नगर के निकाय चुनाव में काउंटिंग के दौरान 94 मतपत्र गायब हो गए थे। जांच के बाद दोनों मतदान कर्मियों के खिलाफ बस्ती सदर कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया है। मतदान कर्मियों से पुलिस पूछताछ कर रही है। मतगणना के दौरान 58 मत अध्यक्ष पद और 96 मत सभासद पद के कम पाए गए हैं। जब काउंटिंग में हंगामा हुआ तो फिर मतपत्र एक कर्मचारी को टेबल पर बाद में रखे पाए गए।
तो जिसके बाद काफी हंगामा होता हुआ नजर आया। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंचे, किसी तरह से हंगामे को काबू किया गया। एक FIR थाना कोतवाली में रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा कराई गई है दो सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध, जिसमें अभियोग दर्ज हो गया है और इसमें विवेचनात्मक कार्रवाई हमारी हो रही है। जिस प्रकार के साक्ष्य आएंगे उसी के आधार पर इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। गुजरात कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट के डॉक्टर ने IITRM में एक इंजीनियर की मदद से इंटेलिजेंस बायोप्सी गन विकसित की है। इंटेलिजेंस बायोप्सी गन का भी मार्च में पेटेंट हुआ है, अगले 3 महीनों में बाजार में उपलब्ध होगा। दुनिया का प्रथम इंटेलिजेंस बायोप्सी गन है। ऐसा अनुमान बताया गया है कि बायोप्सी के दौरान अन्य और हड्डियों को नुकसान पहुंचने की संभावना को कम करेगा। GCRI प्रतिवर्ष औसतन 600 बायोप्सी करता है। इस प्रकार का उपकरण बायोप्सी को सटीक, सरल और परिणाम अनुकूल बनाएगा। अहमदाबाद सिविल मेडसिटी में कार्यरत गुजरात कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट के एक डॉक्टर ने 2 इंजीनियरों की मदद से इंटेलिजेंस बायोप्सी गन बनाई है। इस बायोप्सी गन की मदद से बायोप्सी के लिए बोन मैरो और टिश्यू लेने की प्रक्रिया आसान हो जाएगी। हरदोई के माधोगंज थाना क्षेत्र के नगर पंचायत कुरसठ के तालाब की जमीन पर बने करीब 40 मकानों पर आखिर बुलडोजर चल गया है। उच्च न्यायालय के आदेश पर इस अतिक्रमण को हटाया गया है। नगर पंचायत कुरसठ के मोहल्ला अशोकनगर निवासी कमलेश कुमार की ओर से साल 2020 में उच्च न्यायालय में वाद दाखिल किया गया था। इसी बात को उच्च न्यायालय ने तालाब की जमीन पर किए गए अतिक्रमण को हटाए जाने के आदेश दिए थे। बिलग्राम SDM नारायण सिंह ने नायब तहसीलदार मल्लावा माधोगंज, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद बिलग्राम, नगर पंचायत कुरसठ, थाना अध्यक्ष माधोगंज मल्लावा, राजस्व निरीक्षक नयागंज, 3 लेखपालों को नामित करते हुए टीम गठित की गई थी। नगर पंचायत के तालाब की भूमि गाटा संख्या 1604 थ पर अवैध अतिक्रमण हटाने का पत्र जारी किया गया था और अतिक्रमणकारियों की सूची SDM को प्राप्त कराई गई थी। इनमें करीब 40 व्यक्तियों के कच्चे पक्के मकान, शौचालय और स्थायी कब्जा है और कई लोग परिवार सहित भी रहते हैं। यह तकपन थाना कुरसठ का है, जहां पर करीब 39 घर जो तालाब की जमीन पर बने हुए बताए गए थे, उस पर हाई कोर्ट द्वारा ये निर्देश दिया गया था कि उसको डिमोलिश करके कार्रवाई करी जाए। उसी संदर्भ में आज पुलिस और प्रशासन की टीम द्वारा उसमें कार्रवाई की गई है। अलीगढ़ के थाना बन्ना देवी क्षेत्र अंतर्गत जिला अस्पताल में खुद को भाजपा नेता बताने वाले एक व्यक्ति द्वारा महिला कर्मचारी से अभद्रता करने का मामला सामने आया है। वहीं जब ड्यूटी पर तैनात एक पुलिसकर्मी ने इस बात का विरोध किया तो उक्त व्यक्ति पुलिसकर्मी पर ही हावी हो गया और पुलिसकर्मी से जमकर अभद्रता करते हुए मारपीट पर उतारू हो गया। वहीं व्यक्ति ने खुद को भाजपा नेता बताकर जिला अस्पताल में जमकर हंगामा काटा है। जानकारी देते हुए पीड़ित पुलिसकर्मी मुकेश कुमार ने बताया कि एक साहब अपने आप को मंडल अध्यक्ष बता रहे थे और कैबिन में जबरन अंदर घुस आए और महिला कर्मचारी से बदतमीजी करने लगे। मैं ड्यूटी पर मौजूद था, मैंने विरोध किया तो मुझसे भी जमकर बदतमीजी की। मुझे नहीं पता कि कौन थे लेकिन अपने आप को मंडल अध्यक्ष जरूर बता रहे थे। यहाँ के कुछ नहीं, आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए एक लाभार्थी केबिन के अंदर घुस आए थे जबकि वो बाहर से भी बात कर सकते थे। हमारी ये स्टाफ कर्मी की 2 बेटियाँ यहाँ पे बैठी हुई थी और वो उनसे बदतमीजी बोलने लग गए कि आप किसी को भी बुला लीजिए, मैं केबिन के बाहर नहीं निकलूंगा। क्या नाम है आपका? मुकेश कुमार। बताइए एक जनाब हटगाए मंडल अध्यक्ष बता रहे अपने को केबिन के अंदर घुसकर महिला उनसे बदतमीजी करने लग गई। सहारनपुर के बेहर चुटमलपुर स्थित डेलमोन इंटरनेशनल स्कूल के प्रधानाचार्य ने छात्रों के द्वारा माथे पर तिलक लगाने और हाथ पर कलावा बांधने का विरोध करने पर सोमवार को बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने स्कूल प्रशासन का घेराव कर प्रदर्शन किया है। हंगामा बढ़ता देख फतेहपुर थाना पुलिस की मौजूदगी में स्कूल प्रशासन द्वारा बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के सम्मुख अपनी गलती स्वीकारते हुए माफी मांगी है। इस दौरान मुख्य रूप से प्रतीक दत्त, पवन कौशिक, तुषार तोमर, गगन वर्मा, अभिषेक कश्यप, हर्ष तोमर, सुमित गुप्ता, विनय सैनी, विश्रांत, अभय कुमार, हर्षित कुमार, सागर बाल्मीकि, अनेक छात्र और बजरंग दल के कार्यकर्ता डेलवर्ड स्कूल के प्रधानाचार्य द्वारा बच्चों के साथ किए गए दुर्व्यवहार के विरोध कार्यक्रम में मौजूद नजर आए थे।
वहीं सहारनपुर बेहट में दो खनन वाहनों के आमने सामने की जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें एक चालक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां से चिकित्सकों ने हालत गंभीर देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया है। शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया है। झांसी में चल रही ई बस कंडक्टर के साथ महिला पुलिस होमगार्ड द्वारा मारपीट की गई है। पीड़ित द्वारा वारदात 13 तारीख की बताई जा रही है। पीड़ित मनीष कुमार ने बताया कि मामला बस के किराए को लेकर झांसी के बरुआ सागर थाने की महिला होमगार्ड यशोदा मिश्रा 13 मई को बस में बरुआ सागर जाने के लिए बैठी थी। जब उनसे किराया मांगा गया, जो कि हाल ही में 33 रुपए है, उन्होंने 20 रुपए देने चाहे, जिस पर परिचालक मनीष ने उनका पूरा किराया देने को कहा, जिस पर विवाद आगे बढ़ गया और यहां तक पहुंच गया कि महिला होमगार्ड अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाई और परिचालक के साथ मारपीट करते हुए एक के बाद एक थप्पड़ जड़ दिए, जिसका वीडियो भी अब सामने आया है। पीड़ित मनीष ने कई उच्च अधिकारियों को संबंधित मामले को लेकर प्रार्थना पत्र सौंप दिया है। वहीं जानकारी ये भी है कि महिला होमगार्ड ने भी छेड़खानी जैसे आरोप लगाए हैं। लोग आज आए हैं कंप्लेन थाने में, आज कंप्लेन करने आए हैं, तो उसमें बोल रहे हैं कि आप 13 तारीख की जगह 15 तारीख करो तब हम मुकदमा लिखेंगे, जबकि महिला का 13 तारीख का ही मुकदमा लिख रहे हैं, 13 तारीख का एप्लीकेशन रिसीव कर रहे हैं, हम लोगों को दबाव डाल रहे हैं। और उल्टा हमने बोला है कि आप क्यों नहीं कर रहे 13 तारीख करो, तो बोल रहे हैं कि आप कौन हो, कप्तान हो, कौन हो तुम, चिल्ला के बात कर रहे हैं। हमारे पास पूरी वीडियो फुटेज सब कुछ है उसका, कैमरे का, जो अंदर वार्तालाप हुई उसने गाली गलौज की। कानपुर के बादशाही नाका थाना क्षेत्र अंतर्गत आग लगने से हड़कंप मच गया। कानपुर नौगढ़ा मार्केट में होलसेल साड़ियों का हजारों की संख्या में बनी दुकान और गोदाम है। अचानक सागर साड़ी सेंटर में भीषण आग लग गई। आग लगने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। आनन फानन में व्यापारियों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड और क्षेत्रीय पुलिस कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाती हुई नजर आई, लेकिन जब तक आग बुझती तब तक लाखों का नुकसान हो चुका था। सबसे बड़ी बात यह है कि इस मार्केट में सकरी गलियां होने से भी फायर ब्रिगेड नहीं पहुंच पाई समय पर, जिसकी वजह से यह बड़ा हादसा हो गया। शाहजहांपुर से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर भाजपा की नव निर्वाचित पार्षद के पति पर परेशान करने का आरोप महिला ने लगाया है और खुद को आग के हवाले कर दिया। सूत्रों की माने तो बताया जा रहा है कि कुएं पर पूजा पाठ को लेकर विवाद हुआ था। भाई को थाने ले जाने पर बहन गुस्सा गई और आत्मघाती कदम उठा लिया। मामला शाहजहांपुर के मोहल्ला फतेहपुर रेती का है, जहां 30 वर्षीय सरोज ने पेट्रोल डालकर आत्मदाह कर लिया। हाँ, तो तब हो गई जब उसका भाई वीडियो बनाता रहा। युवती को जिला अस्पताल लखनऊ मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया गया है। इधर दिल दहला देने वाला वीडियो वाकई वायरल हो रहा है और जिसने भी देखा वो सिहर उठा है। पीड़िता सरोज ने जिला अस्पताल में नव निर्वाचित पार्षद प्रतीक्षा गुप्ता के पति पवन कुमार गुप्ता पर प्रताड़ित करने का आरोप भी लगाया है। पूजा नहीं होती थी, अब करने लगे। ये पवन गुप्ता कल जीत गए, इनने कहा तुम देख लेंगे। थाना रामचंद्र मिश्रा के अंतर्गत एक महिला के जलने की सूचना प्राप्त हुई, अस्पताल में भर्ती थी। सूचना में यहाँ आया, मैंने महिला से बात की, उसके द्वारा बताया गया कि मेरा पड़ोसी से पूर्व विरोधी विवाद चल रहा है, इसी विवाद में आज दोनों बच्चों को शिकायत सुनी है, इससे क्षुभ होकर उसने आग लगा ली है। इस संबंध में कोई फुटेज प्राप्त हुए हैं, इसकी जांच की जा रही है और इस संबंध में जांच में जो भी आई है उस हिसाब से अगली विधि कार्रवाई की जाएगी। यूपी के पीलीभीत जनपद में पानी की टंकी से संदिग्ध परिस्थितियों में गिरने से नगर पालिका कर्मी की मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जांच पड़ताल की जा रही है। बताया जा रहा है कि सदर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला छोटा कुदागंज के रहने वाले 45 वर्षीय रफीक नगर पालिका में पंप ऑपरेटर के रूप में तैनात है। उनकी ड्यूटी आवास विकास कॉलोनी के पंप पर लगी हुई थी। ड्यूटी स्थल से 2 किलोमीटर दूर वाटर वर्क्स में बनी पानी की टंकी से रफीक नीचे गिर गए और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। रफीक टंकी पर क्यों चढ़े और टंकी के पास क्यों आए, ये साफ नहीं हो पाया है। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। ड्यूटी विकास विकास में करते। अच्छा, तो क्या हो गया, ये क्या हादसा हो गया? हमें नहीं पता, ड्यूटी गए 6 बजे, उसके बाद में हमें कुछ नहीं पता, बस एकदम खबर आई। क्या खबर आई? टंकी गिर गई। पुत्र मकसूद
जो खुदागंज के निवासी हैं और नगर पालिका में खल्लासी पंप चालक के पद पर तैनात हैं। इनकी पानी की टंकी से गिरकर मृत्यु हुई है। मौके पर पहुंचे हैं, सबको पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवाया गया है। जैसे भी पुलिस अपनी जांच में आई पाया जाएगा, उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। सर रीजन क्या रहा इसका? कुछ जानकारी अभी नहीं है। और अब खबर खटीमा जनपद उधम सिंह नगर से है, जहां पर शेर के आतंक से ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि हम लोग विगत 60 साल से झोपरसा बगुलिया में निवास कर रहे हैं और काफी समय से ग्राम झोपरसा में शेर ने आतंक मचाया हुआ है। 10 महीने में 3 लोगों की जान जा चुकी है। वर्तमान में भी शेर हम लोगों की आबादी के आसपास घूमता रहा है और कई लोगों ने देखा है। बच्चों का बाहर निकलना मुश्किल हो गया है, स्कूल जाना मुश्किल हो गया है, फसलों को नुकसान हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। गांव परिषद के ग्रामीण विकास आयुक्त का कहना है कि लगातार 1 महीने में 3 लोगों की मृत्यु होगी बाकी हमले से, तो उसका कहना भी सही है। यहाँ पर हमने क्या बोलते हैं डीएफओ साहब को कहा है कि यहाँ पर पिंजरा लगाने का प्रयास करें ताकि जो बाघ वाघ का हमले और उससे निजात दिलाया जा सके। साथ ही ज्ञापन दिए जा सके कि पहले हम लोगों के 1 साल में 3 लोगों का सिर मार गए, वो खा चुका 3 आदमियों के थोड़े थोड़े, बाकी 1 साल लाश साबित नहीं हुई। इसके बाद हम उन्नाव में एक होटल में युवती का शव कमरे में फांसी के फंदे पर लटका मिला। युवती की शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। जानकारी के मुताबिक युवती के प्रेमी ने कुछ दिनों पहले आत्महत्या कर ली थी। उसकी मौत के बाद वो काफी दुखी रही, जिसके बाद उसने भी होटल के कमरे में फांसी के फंदे से लटककर खुदकुशी कर ली। युवती की लाश के पास से पुलिस को सजाए नोट मिला है, जिसमें युवती ने अपने माता पिता से माफी मांगी है। युवती ने नोट में लिखा है कि मैं आपकी अच्छी बेटी नहीं बन पाई, लेकिन विशाल के बिना मेरे जीने का कोई मतलब नहीं है। सर एक्चुअली ऐसा है कि जहाँ पे दीदी का हमारा संबंध मतलब तय क्या हुआ था कि इन लोगों का सिस्टम था पहले से और एक दूसरे से प्रेम करते। सूचना पाकर के मौके पे पुलिस पहुंची, दरवाजा खुलवाया गया तो उसमें अपने दुपट्टे से पंखा में फांसी पे लटकते हुए एक लड़की पाई गई। तत्काल उसको लेकर के अस्पताल भेजा गया, जहाँ पे डॉक्टर ने समझ को रमेश चंद्र द्विवेदी। ये सर मुझे खुद नहीं पता कैसे घटना हुई, और सुबह 8 बजे घर से निकली थी, गोविंद नगर गई थी, वहाँ से लौट करके घर नहीं आई। आज मैं इतना बड़ा हो गया हूँ, सुख लगन बैठे थे, मुझे यही नहीं मालूम था यहाँ किराए भी थे, कमरे भी। हापुड़ में 40 बंदरों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से हड़कंप मच गया। बंदरों को गुड़ में जहर देकर मारने की आशंका है। बंदरों के झुंड को देख पास जाने में अधिकारी कतरा रहे हैं। स्थानीय पुलिस और विभाग की टीम मौके पर पहुंची, जांच पड़ताल में जुटी है। गढ़ कोतवाली क्षेत्र के गांव शाहपुर चौधरी की घटना है। वह पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आगे कार्रवाई शुरू कर दी है और मृतक बंदरों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थाना गढ़ मुक्तेश्वर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम शाहपुर चौधरी के पास दौतई नहर पट्टी पर लगभग आधा किलोमीटर क्षेत्र में जंगल में 19 बंदर संदिग्ध परिस्थितियों में मृत अवस्था में प्राप्त हुए हैं। इनके शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है और मुकदमा दर्ज कर आवश्यक विधिक कार्रवाई प्रचलित है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वॉल इंडिया के साथ।